वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम रेमेडीज ब्यूटी। आई एम सना। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस मास्क लेके आई हूँ जो आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ, प्लम्प एंड सॉफ्ट कर देगा आपकी स्किन को। ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से है जो आपकी इजली किचन में अवेलेबल है, नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत ही इजली मार्केट में आपको मिल जाता है। फर्स्ट है हनी, सेकेंड है विटामिन ई कैप्सूल जो आपके मार्केट में इजली अवेलेबल रहता है, बहुत ही इजली मार्केट में मिल जाता है। एंड हम सब जानते हैं विटामिन ई हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल, हमारे स्किन को कितना अच्छा सॉफ्ट बनाता है, डार्क कलर हमारे स्किन, हेयर स्किन जो भी हो, हर चीज का ये सॉल्यूशन है विटामिन ई कैप्सूल जो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है। तो उसका मैं आज फेस मास्क बना के आपको दिखाऊंगी कैसे इसे यूज करते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, मैं आज सब वही आपको बताऊंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मास्क को बनाने के लिए हम सबसे पहले हनी लेंगे। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, प्लम्प बनाती है। तो हम इसे हाफ स्पून हनी ले लेंगे। विंटर्स में ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो हम इतना लेंगे। इसके बाद हम विटामिन ई कैप्सूल लेंगे। इसका ऑयल हमें निकालना है। विटामिन ई का ये पैकेट है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। इवोन 400 के नाम से आप बोलिएगा विटामिन ई कैप्सूल, ये मार्केट में मिल जाएगा, ये मेडिकल स्टोर में मिलता है, आपको इजीली अवेलेबल रहता है, तो ये आप ले सकते हैं। तो इसका हमें ऑयल लेना है। तो इसे हम अच्छे से पिन की हेल्प से इस पे ऑयल निकाल लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। विटामिन ई में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है। ठंडे में हमारे स्किन बहुत ही लूज हो जाती है, छुरियाँ टाइप की हो जाती है, लटकने की, डार्क सर्कल्स की बहुत डर रहती है, रिंकल्स की बहुत ही डर रहता है। तो ये हमारे स्किन को बहुत ही टाइट रखता है, हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है ये विंटर्स में। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। ज़रूरी नहीं कि आप विंटर में इसे यूज़ करें, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, बट विंटर में ये बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है क्योंकि विंटर्स में हमारे स्किन बहुत ही ड्राई हो जाते हैं और लूज़ हो जाते हैं, तो विंटर्स में ये हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। आप इसे किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं बट ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसे नाइट में यूज़ करें, लगा के आप सो भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आप रह सकते हैं। तो अब इसे हम फेस पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड रेमेडी रेडी है, आप देख सकते हैं ये है हनी एंड विटामिन ई का पैक फेस मास्क है जो हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ, प्लम्प बना देती है, जो हमारे स्किन में बहुत ही सॉफ्ट अच्छा लगता है हमारी स्किन को। ऐसे ही विंटर में हमारी स्किन कितना कड़क हो जाती है, लगता है कितना हार्ड स्किन है हमारा, बट ये बहुत ही अच्छा बना देता है। और सेकेंड है विटामिन ई, विटामिन ई में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी ठंडी में स्किन बहुत ही लूज हो जाती है। विंटर्स में हम हमेशा सभी लेडीज़ की हो जाती है या जेंट्स सबकी हो जाती है, विंटर्स में बहुत ही स्किन लूज, ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा हो गया है, इस तरीके से मेरी भी हो जाती है। तो इसे ये टाइट करेगा विटामिन ई कैप्सूल। रिंकल्स हो जाती है, विंटर्स में रिंकल्स होने का बहुत डर रहता है क्योंकि स्किन लूज हो जाती है, तो इस वजह से हमारे स्किन को बहुत ही टाइट रखेगा, बहुत ही सॉफ्ट नरिश रखेगा, और साथ ही साथ हमारे जितने भी डार्क सर्कल्स हैं सबको ये रिमूव कर देगा, और जितने भी हमारे दाग धब्बे जितने भी हैं सबको रिमूव करेगा। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। तो अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत ही स्टिकी है, चिपचिपा है, तो इसे अच्छा लगता है। इसे आप थोड़ा सा रब कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जितने भी आपके रोमे हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स हैं आपके, वो सब खत्म हो जाएंगे, तो इस तरीके से हमें लगाना है। आप इसे किसी भी टाइम लगा सकते हैं बट ज़्यादा मैं आपको रेफर करूँगी कि आप नाइट में लगाएं, नाइट में ज़्यादा सही रहता है कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं
और स्किन हमारी बिल्कुल साफ रहती है, तो रात में ज़्यादा अच्छा रहता है लगाना। मैं तो रात में आपको बोलूँगी नाइट में लगा के, आप चाहें तो इसे रात लगा के सो सकते हैं, बट बहुत लोग को ये स्टिकी लगता है, मुझे भी बहुत ये स्टिकी लगता है, लगा के मैं सो नहीं सकती हूँ। बट इसे आप लगा के 15 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से सो के आप सो सकते हैं। आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर किया कीजिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, या कोई भी न्यू वीडियो बनाना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वो बनाऊँगी नहीं, ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह, आप मुझे बताएं तो। इसे थोड़ा सा मसाज करेंगे, ऐसे करने से क्या होता है स्किन हमारी टाइट होगी ऊपर की तरफ है कि नीचे लटकेगी नहीं। ऐसे जब भी आप मसाज करें या कुछ भी आप करें, क्रीम भी लगाएं ना फिर, तो ऐसे करते हुए ना कि ऐसे ऐसे होता है क्या कि आपकी स्किन नीचे लटकने लगती है, जो रिंकल्स या लूज हो जाती है हमारी स्किन। इसमें भी आप अंडर आईज लगा सकते हैं क्योंकि इसमें डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है, लग रहा है कि मैंने प्लास्टिक का कुछ मेकअप किया है। तो फ्रेंड मैंने 5 मिनट तक मसाज कर लिया है, अब इसे 10 या 15 मिनट तक आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से फिर धो लें। ऐसा आपको रेगुलर कर सकते हैं, जब तक विंटर्स आप कर सकते हैं, नहीं तो आप गर्मियों में भी ऐसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कि आप हाँ कब तक यूज़ करना है, आपको जब मन करे तब आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं कहूँगी आप ये हमेशा यूज़ कीजिए, वाइटामिन स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये कोई इफेक्टिव ये खराबी तो नहीं करेगा आपकी स्किन को, बहुत ही अच्छा है। तो आप मैं कहूँगी कि आप इसे हमेशा यूज़ करते रहिए वाइटामिन ये, नहीं तो मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगी कि आप 1 से 2 मंथ यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, सर्दियों में आपकी स्किन बहुत कड़ी हो जा रही है, तो ये आपके लिए अच्छा। तो मैं धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड मैंने फेस वॉश नॉर्मल पानी से फेस धो लिया है, फेस वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरी स्किन मुझे बहुत ही ग्लोइंग सॉफ्ट फ्लफी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड आपको ये मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर मैं चलती हूँ, ऐसे ही अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती रहूँगी। बाय बाय, लव यू।